तेलंगाना वक्फ बोर्ड का इजलास बहुत ही हंगामा खेज रहा। हफ्ते को मुनाकिशुदनी इस इजलास की सदारत सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने की, जिसमें मुस्लिम कब्रिस्तान में मैयत की तदफीन की इजाजत न मिलने पर हिंदू शमशान घाट में तदफीन का मसला छाया रहा। इत्तला के मुताबिक इजलास में मुस्लिम कब्रिस्तान के निगरान कारों की जानिब से मैयत की बिला मुआवजा तदफीन के मसले पर बोर्ड के अरकान एक दूसरे से उलझते रहे। अरकान के माबैन इत्तेफाक राय कायम न होने की वजह से इजलास मुकर्रर वक्त से एक घंटा ज़ायद तक चलता रहा। बोर्ड के अरकान ने सदर नशीन मोहम्मद सलीम के बयानात पर एतराज किया और उन पर जोर दिया कि वो हसास मसाइल पर एहतियात बरतें और कोई मौकफ इख्तियार करने से कबल अरकान की राय भी हासिल कर लें। इजलास में तेलंगाना अखिलियती अकामती स्कूल्स के लिए औकाफी जमीनात के अलाटमेंट पर भी अरकान ने तहफ्फुज़ात का इजहार किया और कहा कि अलाटमेंट की असास पर जमीनात का हवाला खिलाफ कानून है। कबल अज़ीं मजलिस इंकलाब उम्मत के खायरीन ने बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी पर हज हाउस के रूबरू एहतजाज किया।